नमो बुद्धाय, मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज में। आज महाराष्ट्र के गोंदिया में हम आ पहुंचे हैं और आपके लिए लेकर आए हैं मैत्री की भावना लोगों तक पहुंचाता मैत्री बुद्ध विहार। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए मैत्री बुद्ध विहार। तो देर नहीं करते, शुरू करते आज का अपना बिहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, विहार में आने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। तो आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर सबसे पहले त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो गया इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइए मत क्योंकि ब्रेक के उस पार भी
आपके लिए काफी कुछ बाकी है, तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज। अपना परिचय दें। मी कुकिया अरुण कुमार राहुलकर कुंभारे नगर लहराते। बताया कौन से वर्ष में दिया गया? 1990 ला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना विहार अपनी आवाज में, और वक्त हो गया एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का, तो आइए सब मिलकर सुनते हैं ये वाली प्यारी सी बोध कथा। दर्शकों, एक जगह पर एक बड़ा सा हॉल था जहां पर हजारों लोग आए हुए थे, तो वहां के आयोजक ने ये किया कि सभी को बाहर बुलाया और उसमें ढेर सारे बलून्स जिसमें गुब्बारों में हवा भरी हुई थी, ऐसे गुब्बारे उस वहाँ पर सबके नाम लिखकर ऊपर छोड़ दिए और सबसे कहा कि अब आप सभी को अपने अपने नाम का गुब्बारा 5 मिनट में ढूंढकर निकालना है। सभी लोग हॉल के अंदर प्रवेश किया और सभी लोगों ने जब प्रवेश किया तो सभी अपने नाम का बलून खोजने में समय गंवाने लगे और किसी को अपने नाम का बलून मिल ही नहीं रहा था, और इस तरह वो समय भी खत्म हुआ। जब सब लोग बाहर आए तो बस कुछ ही लोगों के हाथ बलून्स थे और बाकी सबके हाथ खाली थे। आयोजक ने फिर से उनसे एक बार कहा कि अब आप एक बार फिर से इस हॉल में जाएं, लेकिन इस बार अपने नाम का बलून न ढूंढते हुए जो भी बलून्स आपके हाथ में आता है उस पे जिसका नाम लिखा है उसका नाम पुकारें और देखें क्या होता है। कुछ देर बाद जब लोग सब बाहर आए तो सभी के हाथों में बलून था। हुआ ये था कि इस बार हर कोई अपना बलून नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि जो बलून हाथ में आया उसका नाम पढ़कर उसे पास बुलाकर वो बलून सौंप रहा था। इस तरह 5 से 10 मिनट में ही सभी को अपने अपने बलून मिल गए। दर्शकों, इस कथा से हमें भी ये सीख मिलती है कि हम जिंदगी में हमेशा खुशियों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन खुशियाँ जो है वो आगे दौड़ती रहती हैं और हमें खुशियाँ नहीं मिलती, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं। अगर हम औरों को खुशियाँ दें तो उसके बाद जो हमें खुशी मिलेगी वो वही खुशी होगी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जब लोगों ने खुद के लिए बलून ढूंढने चाहे तो नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने वही बलून दूसरों के लिए ढूंढे और उन तक पहुँचाए तो उन्हें भी अपने नाम का बलून बड़ी ही आसानी से मिल गया। इसी तरह अगर आप भी औरों को खुशियाँ बांटेंगे तो आपको भी खुशियाँ निश्चित तौर पर मिलेगी। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं पसंद ही आई होगी आपको, और अगर आपके पास भी है इस तरह की कोई बोध कथा तो बिल्कुल देर न करें, व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अब वक्त है सबके साथ मिलकर सवाल जवाब करने का, तो आइए करते हैं सवाल जवाब। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त सवाल जवाब का। सारे आतुरता से उत्सुकता के साथ सवाल जवाब के लिए मेरे साथ में इस वक्त सारे उपासक उपासिकाएं मौजूद है। अब देर नहीं करते और शुरू करते फटाफट ये सवाल जवाब का सिलसिला। क्या आप तैयार हैं? तो लीजिए मेरा पहला सवाल। विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें भारत रत्न ये सम्मान कौन से वर्ष में दिया गया, कौन से वर्ष में प्राप्त हुआ? सिर्फ हाथ ऊपर करें, एक ही हाथ ऊपर हुआ है। खैर, आ जाए आप यहाँ पे। जय भीम। जय भीम। अपना परिचय दें। मी कुकिया अरुण कुमार राहुलकर कुंभारे नगर लहराते। बताया कौन से वर्ष में दिया गया? 1990 ला। आप बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। 1990 में विश्व रत्न हमारे बाबा साहब को भारत रत्न ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मेरा अगला सवाल ये है, तो मिलिंद विद्यालय की शुरुआत बाबा साहब ने कौन से वर्ष में की थी औरंगाबाद में? कोई बता सकता है तो हाथ ऊपर करें। टिक 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 टिक। मैं ही बता दूं, 19 जून 1950 में बाबा साहब ने इसकी स्थापना की थी। आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। अब मेरा अंतिम सवाल यह है, बाबा साहब का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? सिर्फ पता, हाथ ऊपर करें। आ जाए आप। जय भीम। जय भीम।
आपका परिचय दे। मेरा नाम सीमा खांडेकर है। आप बताएं कब हुआ था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। 1891 में हुआ था। जाया, इन्होंने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है, जोरदार तालियां। सही जवाब है, टेंशन मत लीजिए। तो दर्शकों, सही जवाब हमें मिल गया है, आपका भी सही जवाब है जिन्होंने दिया था। अब बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अपना बिहार अपनी आवाज में वक्त हो गया है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। दर्पण, आईना, मिरर दिखने में एकदम कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई दिखाने से डरता नहीं है। तो इसी तरह सच्चाई का सामना करें, उससे ना कतराए। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज। तार बोलो, सबने कान पकड़े। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना बिहार अपनी आवाज में। वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। तो आओ मिलकर गाएं। माझा भीमाचना वाचो, माझा भीमाचना वाचो, कुंकु लावी लरमान, कुंकु लावी लरमान, मंकु लावी लरमान, भीमाचना वाच ओ, माझा भीमाचना वाच, कुंकुला विला रमान, 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 माझा भीमाचना वाच। दर्शकों, एक बार फिर से मैदान सज गया हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर तो यहाँ तक सारी उपासिकाएं खिलाड़ी के रूप में ये गेम खेलने के लिए मौजूद है। और ये वही गेम है भाई जो आपको बहुत पसंद है। आप सब इंतजार करते हैं कि आपके बिहार में कब ये कार्यक्रम हो और कब ये गेम आए। ये वही गेम है जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहते रहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से कोई भी एक पार्ट को दोनों हाथों से छूने के लिए कहूंगा। जो सबसे पहले करके दिखाएगा वो हमारा विनर होगा। अब देखना ये कि हमारा विनर कौन होता है। लेकिन हमेशा की तरह गेम शुरू करने से पहले एक बार हम ट्रायल तो ले ले, ये सब लोग नॉर्मल है भी या नहीं। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। सर को हाथ लगाएं, नीचे करें। ओके, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। इनसे मैंने सर पे हाथ रखने के लिए कहा, सबने रखा है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये सभी इसी तरह नॉर्मल रह पाते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं भीम का दीवाना। अब आपका समय शुरू होता है। अब पकड़िए पैर, पैर बोलो, सबने कान पकड़े। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं। सबको मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपने कान पकड़े। ये क्या हुआ? ये वही हुआ है जो होता आया है, होता आ रहा है और होता रहेगा। जब हम जय भीम कहते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ का है, पैर का है और सर का है। इनसे मैंने कहा पैर पकड़िए, सबने पकड़ लिया अपने कान। तो दर्शकों, आज भी हमें कोई विनर नहीं मिला है और ना ही मिलेगा।
क्योंकि बाबा साहब है ही ऐसे, जो भी इनका नाम लेता है उन्हीं का हो जाता है और उन्हीं में खो जाता है। और मैं यही कहूंगा कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है फिर से सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने हमें जो आदेश दिया था, जो कर्तव्य बताया था, उसी का पालन करने के लिए और उसी आदेश का पालन करने के लिए और उसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए हम शपथ लेते हैं। बाबा साहब ने हम सबसे कहा था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। इसी कर्तव्य की पूर्ति करने और इसी आदेश का पालन करने हम लेते हैं शपथ, जो आज भी हम लेने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धर्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप हमारे साथ मिलकर जरूर जरूर करेंगे और साथ ही साथ औरों को भी इसके लिए प्रेरित जरूर करेंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी चैनल को मजबूत करने के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको इसे नियमित तौर पर देखना है, औरों को प्रेरित करना है और ये सब आप कर रहे हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आप अपने घर परिवार रिश्तेदारों में होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का एक विज्ञापन वर्ष में कम से कम एक बार तो भी आवाज़ इंडिया टीवी पर जरूर दें। ये भी आप दे रहे हैं लेकिन औरों को भी कहिए। और इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन के माध्यम से सहयोग दिया है और इसे एक जिम्मेदारी समझते हुए निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को मैंने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी ला ऐड देऊन मी आपली जिम्मेदारी पूर्ण करत आहे, आपकी है। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझा कर्तव्य पूर्ण केलं, आता तुम्ही पण। आवाज इंडिया टीवी को याद देखकर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप जिम्मेदारी निभाइए। आवाज इंडियाला आम्ही जाहिरात देऊन आपली जिम्मेदारी पूर्ण केलेली आहे, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला आम्ही जाहिरात देऊन आपली जिम्मेदारी पूर्ण केली, आता तुमची। आवाज इंडिया टीव्ही को ऍड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्ही को हमने जाहिरात देके अपनी जिम्मेदारी निभाई, अभी आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला ऍड देऊन मी माझी जिम्मेदारी पूर्ण केलेली आहे, आता तुमची बारी। Thank you.
दर्शकों, ऐसा था ये मैत्रेय बुद्ध विहार जो आता है गोंदिया महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी है कोई इस तरह का प्यारा सा विहार तो देर किस बात की, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर हमें व्हाट्सएप के जरिए आपकी विहार की संपूर्ण जानकारी भेजें। लेकिन जब हम तक पहुँचाएँ तो पूर्ण संपूर्ण जानकारी हो, और अगर आप कोई विहार देखना आपका रह गया हो तो बिल्कुल निराश न हो, यूट्यूब पर टाइप करें अपना विहार अपनी आवाज़ और जो विहार आप देखना चाहते उस विहार का नाम। और भी एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास अच्छी बोध कथा, अच्छे सुविचार, अच्छे सुझाव, वो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन जस्सी सर जी के साथ दीजिए इजाजत। मिलेंगे नई जगह नई विहार, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ, देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़।